एंड लिम्फ नोड। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। आई होप याद रह जाएगा, बहुत आसान है, दो तीन बार इसको पढ़ोगे हो जाएगा। हार्ट हमारा, यहाँ पे तीन चैम्बर होता है, दो आर्टरिया होते हैं और एक हमारा वेंट्रिकल होता है। पेरिकार्डियम से हमारा जो हार्ट है वो कवर्ड होता है, सराउंड होता है उसकी थोड़ी सी प्रोटेक्शन के लिए। आगे हमारा क्या दे रखा है कि हमारा जो राइट एट्रियम होता है वो ज्वाइन होता है ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर से, जिसको बोलते हैं साइनस विनोसस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे भैया यहाँ से कि आपका, देखो वन लाइन मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे ऐसे ही पूछ लेंगे कि आपका जो राइट एट्रियम होता है ये किससे ज्वाइन होता है, कौन सा ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम बताओ हमें। तो साइनस विनोसस ध्यान में रहना चाहिए। अच्छा, जितनी भी आर्टरीज होती है इनमें भी क्या होता है, ये आपका हार्ट से बॉडी तक आपका जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं। उसके बाद जितनी भी वेन्स है हमारी वो क्या करती हैं, आपका पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करती हैं और लंग्स सॉरी हार्ट तक लेके आती हैं। पोर्टल सिस्टम इनमें भी होता है हमारे तरह। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होगा, एक रिनल होता है। हिपैटिक में क्या होगा, विनोसस कनेक्शन होता है दोनों में, हिपैटिक में भी और रिनल में भी। थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, प्लीज ध्यान दीजिए। हमारे यहाँ पे मेंढकों में भी पोर्टल सिस्टम होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड रिनल पोर्टल सिस्टम, दोनों में ही विनोसस कनेक्शन होते हैं। हिपैटिक में भी विनोसस कनेक्शन होगा, रिनल में भी विनोसस कनेक्शन होगा। हिपैटिक में किस किस के बीच में होता है वो जरूरी है। विनोसस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, हिपैटिक मतलब लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में विनोसस कनेक्शन। रिनल मतलब किडनी और किडनी के नीचे जो भी लोअर पार्ट्स हमारी बॉडी होती है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिनल, किडनी और लोअर सारे पार्ट्स के बीच में होता है विनोसस कनेक्शन, और हिपैटिक में सिर्फ हमारा लिवर और किडनी के बीच में विनोसस कनेक्शन होता है। तो ध्यान में रह जाएगा, दोबारा से मेंशन करती हूँ कि पोर्टल सिस्टम दो तरीके का होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, रिनल पोर्टल सिस्टम। विनोसस कनेक्शन दोनों में होता है, किसके बीच में होता है वो ध्यान में रखना है, हिपैटिक लिवर और इंटेस्टाइन, रिनल किडनी और लोअर पार्ट्स में होता है, ठीक है। ब्रेन के आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, तीन पॉइंट ध्यान में रखने हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब क्या है भैया, नाइट्रोजन, जितने भी हमारे नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं उनको एलिमिनेट करता है बॉडी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे काम आते हैं, किडनी, यूरेटर, क्लोइका, यूरिनरी ब्लेडर, चार ध्यान में रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा और ऐसे ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रो कौन सा एनिमल है, यूरियो टैलिक, यूरियो टैलिक, यूरिया रिलीज करता है, ठीक है, एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आते हैं, नर्वस सिस्टम और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल करते हैं हमारे, जैसे यहाँ पे जैसे हम हैं, हमारे अंदर हॉर्मोन है और न्यूरल है, तो इनके अंदर भी ऐसे में न्यूरल है और हॉर्मोन है। नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम तीन तरीके का होता है, सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस, ठीक है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पे देखो कुछ सिक्रेटरी टिश्यू होते हैं जो कि आपका हार्मोन रिलीज करते हैं, और अगर हम बात करें उन सिक्रेटरी टिश्यूज के बारे में, जैसे हमारा पिट्यूटरी हो गया, एड्रिनल हो गया, एड्रिनल और थायरॉइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, पीनियल, पेनक्रिएटिक, और इसलेट्स हो गए आपके, गोनैड्स हो गए, सारे इसमें आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपके जो यहाँ पे कितने क्रेनियल नर्व्स के पेयर होते हैं, तो यहाँ पे 10 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व के, ये पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। अगर कंफ्यूज तो नहीं हुए, मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए, नेट में मैंने यहाँ पे इतनी आसान लिखी है ना कि अगर तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए ना तो तुम्हें कभी कहीं से याद होने ही नहीं वाली हो, ठीक है। अब बस ब्रेन वाला पार्ट रहता है वो रिप्रोडक्शन रहता है, तो इसको हम कवर करते हैं। ब्रेन में हमारा जो ब्रेन है, फ्रॉग का जो ब्रेन है, ये कवर्ड होता है आपका क्रेनियम से, बोनी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्शन देगा ऑब्वियसली ब्रेन को, तो इसको क्या भी बोला जाता है, ब्रेन बॉक्स, ठीक है। ये हमारा तीन जो ब्रेन है, फ्रॉग का जो ब्रेन है वो तीन पार्ट में स्प्लिट होता है हमारी तरह, फोर ब्रेन, इनर ब्रेन और मिड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमारी ऑल्फैक्टरी लोब्स आती है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर आता है, और हमारा डायस्टोन आता है जो कि अनपेयर्ड होता है। मिड ब्रेन में अगर हम बात करें, ऑप्टिक लोब आता है, इनर ब्रेन में सेरिब्रल आता है, सेरिबेलम सॉरी, और आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये एक थोड़ा सा ध्यान में रखो यार कि यहाँ पे आपका सेरिब्रल यहाँ पे है और सेरिबेलम यहाँ पे है, ये एक कंफ्यूजिंग पोर्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है। आपका हिंड ब्रेन में आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो एग्जिट करता है फोरामेन मैग्नम में, और फिर जो आपका ये मतलब ऐसे होता है कि जैसे ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसकी एग्जिट को बोलते हैं हम फोरामेन मैग्नम, और यहाँ से हमारा फिर स्पाइनल कॉर्ड अराइज करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बारे में, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है,
मतलब कौन प्रोटेक्शन देता है इसको, वर्टिबल कॉलम, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आई थिंक आपको याद रह जाएगा, आगे बात करते हैं। आगे देखो कुछ ऑर्गेन्स लिखे हैं यहाँ पे, आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि हमारा सेंस के लिए ऑर्गेन होता है सेंसरी पेपिले, टेस्ट के लिए टेस्ट पर, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आई, और हियरिंग के लिए हमारा टेम्पेनम प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें आपको पता ही है, बहुत ईजी होती है। आगे थोड़ा सा रिप्रोडक्शन पार्ट में कंफ्यूजन होता है, तो इस वजह से मैंने वो पहले नहीं लिखा है, अभी मैं आपको साथ साथ समझा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, फ्रॉग का रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में हम पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ पे हमारी येलोइश ओवॉइड टेस्टिस होती है, क्या बोला मैंने, येलोइश कलर की होती है, येलोइश ओवॉइड टेस्टीज होती है। दूसरा हम बात करें, जो हमारी टेस्टीज होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं किडनी से, टेस्टीज किडनी से ही कनेक्टेड होती हैं, किसके थ्रू वो जरूरी है। तो ये हमारी किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, मिजोरशियम में, मिजोरशियम की हेल्प से आपकी जो टेस्टीज होती हैं किडनी से अटैच होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, मिजोरशियम। अब ये मिजोरशियम होता क्या है, इसको बोला जाता है डबल फोल्ड होते हैं, ये डबल फोल्ड होते हैं, किसके डबल फोल्ड होते हैं, ये बेसिकली आपके पेरिटोनियम के डबल फोल्ड होते हैं, पेरिटोनियम, क्या बोला मैंने। देखो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा है कि इसमें येलो ओवॉइड टेस्टिस होती है, शेप ध्यान में रखनी है, ओवॉइड होती है, टेस्टिस आपकी किडनी से कनेक्टेड होती है, अटैच होती है, किसकी हेल्प से होती है, मिजोरशियम की हेल्प से होती है। मिजोरशियम होता क्या है, ये आपके डबल फोल्ड होते हैं पेरिटोनियम के। अभी पेरिटोनियम अब आएगा कि क्या होता है, पेरिटोनियम क्या है, बेसिकली ये आपकी एक सीरस मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, सीरस मेम्ब्रेन होती है, जो आपकी लाइन करती है, मतलब लाइनिंग में हेल्प करती है किसकी, एब्डोमन की, और जितने भी आपके एब्डोमिनल ऑर्गेन्स होते हैं, मतलब एब्डोमिन में जो भी ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं उन सब की जो है लाइनिंग करती है, कवरिंग करती है, ठीक है, उनको सराउंड करती है। तो पेरिटोनियम का पता चल गया, मिजोरशियम क्या होगा ये पता चल गया है, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे वासा इन्फ्रेंशिया, वासा इन्फ्रेंशिया, तो ये जो वासा इन्फ्रेंशिया होती है हमारे जो हम मेल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ह्यूमंस का, उसमें भी आपकी प्रेजेंट होती है। तो पहले हम इसके फ्रॉग के बारे में डिस्कस करते हैं, ये हमारी 10 to 12 होती है नंबर में, और ये आपकी किस में प्रेजेंट होती है, टेस्टिस में प्रेजेंट होती है, ओरिजिनेट होती है टेस्टिस से, ठीक है, टेस्टिस के अंदर, जैसे हमारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है ह्यूमंस के अंदर वैसे ही। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारी वासा इन्फ्रेंशिया होती है 10 से 12 इन नंबर होती है, ओरिजिनेट करती है टेस्टिस से, और यहाँ पे जो ये वासा इन्फ्रेंशिया होती है ये किडनी में एंटर करती है, टेस्टिस से होकर किडनी में एंटर करती है, और किडनी में एंटर करती है और एग्जिट कहाँ से करती है, बीदर कैनाल से करती है, क्या बोला मैंने कि जो ये वासा इन्फ्रेंशिया होती है आपकी किडनी में एंट्री लेती है और एग्जिट कहाँ से करती है, ये एग्जिट करती है आपकी बीदर कैनाल से, बीडर्स कैनाल से। थोड़ा ये वही पार्ट है समझने का, तो थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है। बीडर कैनाल अब क्या होती है, बीडर कैनाल ये आपकी किडनी में प्रेजेंट होगी ऑब्वियसली, फ्रॉग की किडनी में, ठीक है, ये आपका जो है स्पर्म रिसीव करती है वासा इन्फ्रेंशिया से, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमारे अगर ये किडनी है, किडनी में आपकी जा रही है क्या वासा इन्फ्रेंशिया, ये एग्जिट कहाँ से करती है, मतलब यहाँ तक ये आएगी, और मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसे नहीं होता वैसे, प्रॉपर नहीं है, बट हाँ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो ये एग्जिट करती है तो इसको हम बीडर कैनाल बोलते हैं, बीडर कैनाल। अब ये वासा इन्फ्रेंशिया से कनेक्टेड है और वासा इन्फ्रेंशिया हमारी टेस्टिस से कनेक्टेड है, तो ये ऑब्वियसली स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करेगी, तो यहाँ पे हमारे स्पर्म्स होते हैं इसमें, ठीक है, ये आपकी स्पर्म कैरी करती है। आगे बात करते हैं बीडर कैनाल के बारे में, हमने देखा कि ये आपकी इनसाइड द किडनी होती है, रिसीव करती है स्पर्म किसकी हेल्प से, आपकी वासा इफरेंशिया की हेल्प से, ठीक है, आगे बात करेंगे। और ये आपकी एंट्री करती है कहाँ पे, क्लोइका, क्लोइका के अंदर एंट्री करती है, क्लोइका मैंने बताया था कि आपका स्पर्म को ट्रांसपोर्ट आउट करता है, बाहर करता है, और आपके जो भी एक्सक्रीट होती है उनको बाहर भेजता है, मतलब बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देता है। आगे बात करते हैं,
बीडर कैनाल के बाद क्लोइका, मैंने बताया दिया था कि ये आपका ऐसा चैम्बर होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे फीसिस, यूरिन और स्पर्म को बाहर, आउटसाइड। अब बात करते हैं हम फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे उसके बारे में, मेल के बारे में ध्यान रखो यार। दोबारा मैं बता देती हूँ कि इसमें आपके ओवॉइड टेस्टिस होती है येलो कलर की, टेस्टिस किडनी से कनेक्टेड होती है मिजोरशियम की हेल्प से। मिजोरशियम आपका डबल फोल्डेड पेरिटोनियम होता है। पेरिटोनियम क्या होता है, ये एक सीरियस मेम्ब्रेन होती है जो कि आपके एब्डोमिनल ऑर्गेन्स हो गए, ठीक है, और एब्डोमिनल पार्ट को लाइन करती है, ठीक है, कवरिंग करती है उसकी। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा था वास इफरेंशियो के बारे में, ये 10 से 12 होती है नंबर, और ये टेस्टिस से ओरिजिनेट करती है, किडनी में एंट्री लेती है और यहाँ पे फिर ये एग्जिट करती है वीडर कैनाल पे, ठीक है। वीडर कैनाल क्या करती है, आपका स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करती है, क्योंकि वास इफरेंशियो के पास ऑब्वियसली अगर वो टेस्टिस के पास से आ रही है तो स्पर्म्स होंगे, तो स्पर्म्स वीडर कैनाल में जाएंगे और वीडर कैनाल से क्लोइका से वो बाहर चले जाएंगे एनवायरमेंट में, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं यार। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास दो ओवरीज होती हैं, दो ओवरीज होती हैं। अब ये ओवरीज हैं, यहाँ पे हमारा किडनी और ओवरी का कोई भी फंक्शनल रिलेशंस यहाँ पे नहीं होते हैं, मतलब कि अलग अलग दोनों का काम होते हैं। ऐसे मेल की तरह नहीं है कि उसका कनेक्टेड होगा, किडनी में जाएगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल होता है फीमेल्स में, ठीक है। तो फीमेल्स में सिंपल एक ओवी डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ओवी डक्ट, ओवी डक्ट। ये ओवी डक्ट क्या करती है, ओवरी और आपका क्लोएका इसको कनेक्ट करती है, बीच में ये हो गया ना, ये ओवी डक्ट है, ठीक है, इसको कनेक्ट करती है। ओब्वियसली ओवरी से हमारे जो एग्स रिलीज होंगे उसको क्लोएका तक पहुंचाएगी, और क्लोएका क्या करेगी, आपके बाहर भेज देगी एनवायरमेंट में, ओके। सो यहाँ पे जो मेच्योर फीमेल्स होती है, फ्रॉग फीमेल होती है, ये 2500 से 3000 एग रिलीज करती है एक बार में। जरूरी पॉइंट ध्यान में रखना, यहाँ पे मैंने अभी बताया कि आपका क्लोएका से जो एग है वो बाहर चले जाते हैं, यानी कि बाहर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और कहाँ होगा, पानी में होगा, इनसाइड वाटर, इन वाटर, सॉरी, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल होती है वो मेटामॉर्फोसिस फॉलो करती है, मतलब कि इसमें एक लार्वा स्टेज भी होती है, जिसका यहाँ पे लार्वा का नाम ले तो टेडपोल बोला जाता है, फिर ये मेटामॉर्फोसिस होता है इसमें और ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये चैप्टर मेरे हिसाब से इतना ही है, मतलब टॉपिक इतना ही है, इससे बाहर एनसीईआरटी नहीं जाएगी, और एनसीईआरटी पढ़ लेना यार इसके बाद, मतलब मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट है और मुझे करवाना चाहिए। बाकी एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना और फिर बताना मेरे को कि आपको समझ में आया कि नहीं आया चैप्टर। थोड़ा सा लास्ट में यार, थोड़ा सा मतलब मेरा बोलने का वे भी तुम्हें लगा होगा ना कि अजीब हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने नोट्स बनाए थे वो डिलीट हो गए लेक्चर रिकॉर्ड करते टाइम ब्रेन पोर्शन से, और आपको ये पेजेस भी डिफरेंट लग रहे होंगे। तो बेसिकली अभी देखो यार, नोट्स उसके खुद बना लेना लेक्चर की हेल्प से ही। मैं इसकी जो सेपरेट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करती हूँ, यही वाली पीडीएफ आपको देती हूँ, वो अब की बार आ नहीं पाएगी, वो डिलीट हो गई है, फिर मेरे को लिखना पड़ेगा, इससे चाहे मैं दूसरा कोई लेक्चर है उसको प्रिपेयर कर लूँ। आप यहाँ से इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, और यहीं से लिखना है, कहीं और से नहीं लिखना, और फिर एक बार एनसीईआरटी हाईलाइट से वो रीड आउट कर लेना। बाकी मुझे लगता है यार मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। रिप्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा होगा कि डाउट है, बट मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए, 3-4 पॉइंट है यहाँ पे मुश्किल से, उनको देख लेना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।